देखिए ब्रिज बनाने में भी क्या क्या चीजें हो गई हैं। समुद्र देव को रिझाने का प्रयास, समुद्र देव ने आकर प्रकटीकरण होना, समुद्र देव ने आश्वासन देना सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद में लाकर के भी स्वर्ण मत्स्या के द्वारा उसमें ब्रेक लाना, हनुमान जी ने स्वर्ण मत्स्या को के साथ डील करना, फिर उसके बाद में गिलहरियों का एपिसोड, क्या क्या कुछ हो के गया केवल ब्रिज के मेकिंग में ही। अब और एक कथा है ब्रिज के मेकिंग में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हनुमान जी देख रहे थे, अरे इतने सारे बंदर ऊपर नीचे आगे पीछे घूम रहे हैं, हर जगह से ला करके पत्थर चट्टाने पहाड़ पेड़ वृक्ष जो बंदर सब डाल रहे हैं। सो एक कार्य तो है चीजें लाने का, दूसरा है राम राम कह के उनको तैराने का, उसके बाद इन सबको रस्सी से बांधने का। सोचिए कितनी रस्सी चाहिए, 800 मील का ब्रिज, 800 मील और 80 मील चौड़ा। यस, क्या फुर्ती से काम करना पड़ेगा, मतलब लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट क्या है सोचिए। सो हनुमान जी देख रहे हैं, अरे इतना मेजर काम चल रहा है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन हनुमान जी के मन में कुछ अलग ही था। वो सोच रहे थे, अरे ऐसा कोई बड़ा पहाड़ मिलना चाहिए, एक पहाड़ डाल दिया काम खत्म। Yes. एक पहाड़ डाल दो उल्टा करके तो बराबर इतना सारा योजन वो पहाड़ी चला लेगा। तो हनुमान जी जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहां से उड़ गए और हिमालय की ओर जाने लगे, क्योंकि सेतु बन रहा था एकदम दक्षिण छोर में, सेतु बंद में रामेश्वरम के पास। सो वहां से वो नॉर्थ आते गए हिमालय की ओर, आते उन्होंने एक सुंदर पहाड़ देखा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशाल, एकदम नया रम्य और इतना बड़ा था। हनुमान जी सोचने लगे, अरे वाह, मुझे जो चाहिए मिल गया। हनुमान जी नीचे उतरे, हनुमान जी ने उस पहाड़ को अपनी पूरी ताकत से उठाया और जय श्री राम करके सेतुबंध की ओर जाने लगे। सेतुबंध की ओर जाते जाते आधे रास्ते पर पहुंच गए थे कि उन्हें मैसेज आया, नल ने एक वानर को भेजा था कि हनुमान जी को बोलो ब्रिज मेकिंग इज कंप्लीट, नाउ ही शुड रिपोर्ट बैक इमीडिएटली। तो हनुमान जी सोचने लगे, अच्छा ब्रिज मेकिंग इज कंप्लीट, वो मैंने तो ये पहाड़ ऐसे उठा लिया। सो हनुमान जी ने सोचा ठीक है, हनुमान जी ने कहा उस वानर दूत को कि आप नल को जाकर के बोलो मैं तुरंत ही आ रहा हूँ। एंड हनुमान जी टर्न बैक कि जहाँ से वो पहाड़ लिया है वहीं पर उसे वापस रखेंगे। और जब हनुमान जी टर्न होते हैं, हनुमान जी को अपने सर पर पानी की बूंदें टपकती दिखाई पड़ती है। हनुमान जी, क्या हो गया, पानी टपक रहा है। वो देखता है पहाड़ के ऊपर से पानी आ रहा है और आश्चर्य क्या है, हम देखते हैं बारिश का जो पानी है वो ठंडा होता है, ये पानी गर्म था। तो हनुमान जी सोचते हैं क्या हो गया। हनुमान जी वो पहाड़ को ऐसे देखते हैं, आश्चर्य से वो देखते हैं पहाड़ रो रहा था। हनुमान जी को लगता है, अरे ये पहाड़ कोई विशेष पहाड़ है, कहते आप कौन हो और आप क्यों रो रहे हो। वो पहाड़ कहने लगता है, मैं गोवर्धन हूं और प्रभु राम की सेवा करना चाहता था, मेरी उत्पत्ति ही भगवान की सेवा के लिए हुई है, तो क्योंकि भगवान की सेवा के लिए आप मुझे लेके जा रहे थे मैं बहुत हर्षित था, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि सेतु बंद करके पूरा तैयार हो गया है, मेरे जीवन में जो इस कार्य के लिए मैं आया हूं वो कब फलित होगा, पूरी तो होगा मुझे पता नहीं, प्रभु राम ने मुझे उनकी सेवा में नहीं लिया है अब तक, इसलिए मैं रो रहा हूं। मैं इतना अभागा हूं, इतना विशाल होते हुए भी, इतने महत्वपूर्ण कार्य में भी मैं प्रभु राम की सेवा न कर सका। प्रभु राम के भक्त हनुमान जी के दिल को ये बात छू गई, वो जहां से गोवर्धन को उठाया था वहीं पर गए, वापस गोवर्धन को रख दिया और गोवर्धन को प्रणाम करके कहा कि मैं प्रभु राम से निश्चित ही तुम्हारी अर्जी लगाऊंगा,
तुम्हारे लिए निवेदन करूंगा। हनुमान जी जुम उठ गए एंड एवरीवन इज लाइक अबाउट द ब्रिज इज कंप्लीट और प्रभु राम एक जगह पर बैठ करके सोच रहे हैं। इज इन कंटेम्पलेटिव मोड। हनुमान जी वहां आते हैं, कहते हैं, नमस्कार करते हैं कि हे प्रभु, मैं उत्तर भारत की ओर गया था और उत्तर भारत में मैंने बहुत विशाल और बहुत सुंदर पर्वत को देखा। उसे लेकर के मैं आ रहा था, तभी मुझे मैसेज मिला कि पूरी जो लंका का ब्रिज है वो तैयार हो गया है। तो मैंने उस पहाड़ को वापस रख रहा था तो वो पहाड़ रोने लगा और कहने लगा कि मैं गोवर्धन हूं और मुझे भगवान की सेवा करने का अवसर नहीं मिल रहा है। प्रभु राम गोवर्धन के बारे में सुनकर के और हनुमान की इस याचना को सुनकर के इतने प्रसन्न हो गए। प्रभु राम ने कहा कि निश्चित रूप से गोवर्धन मेरी सेवा के लिए ही आया और अगले अवतार में जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा द्वापर युग में, तब मेरी सारे बाल्य लीलाएं 11 वर्ष की उम्र तक केवल गोवर्धन के इर्द गिर्द और गोवर्धन के ऊपर ही होंगी। तो गोवर्धन को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी भक्ति को मैं जानता हूँ, उसकी भक्ति का फल, उसका जो रिवॉर्ड है उसे मिलेगा ही मिलेगा। हनुमान जी वॉज वेरी हैप्पी। ही क्विकली वेंट टू गोवर्धन एंड कन्वेड दिस मैसेज एंड केम बैक। थैंक यू वेरी मच। हरी कृष्ण।